नमस्कार, विनोद की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी चिकन करी, और ये बिल्कुल डिफरेंट स्वाद में होगी। तो पंजाबी चिकन करी बनाने के लिए हमने चिकन लिया हुआ है करीब 500 ग्राम, और चिकन को हमने धो के साफ़ कर लिया है, और इसमें हमने थोड़ी सी कलीजी भी डाली है मुर्गी। तो इस तरह की चिकन है, और इसको धो के हमने साफ़ कर लिया है। और एक कटोरी यानी एक बड़ा प्याज, हमारा प्याज पिसा हुआ है, और एक कटोरी हमारा दही है, लहसुन और अदरक का पेस्ट है करीब 2 बड़े चम्मच, और प्याज है हमारा करीब 1 जिसको हम अभी फ्राई करेंगे, धनिया है, रिफाइंड ऑयल है, और 1 चम्मच हमारा गरम मसाला है, और हमारा ये स्पेशल किचन किंग मसाला बाज़ार में आसानी से मिल जाता है ये, और इसमें हम और अलग मसाले कुछ नहीं ले रहे हैं। और ये हमारा देगी यानी कश्मीरी मिर्च है, और इसमें हम कुछ खड़े गर्म मसाले ले रहे हैं जिसमें 4 लौंग, थोड़े से तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची, और कुछ दाने यानी 8 से 10 दाने काली मिर्च के हैं, 4 छोटी इलायची, और कुछ टुकड़े दालचीनी के हैं, और नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले चिकन में हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, और इसमें हम नमक डालेंगे। नमक हम करीब इसमें 1/2 चम्मच डाल रहे हैं, आधा हम बाद में डालेंगे, और दही डाल देंगे, और इसको हम करीब 1/2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करेंगे, और इसको हम रख देंगे जब तक हम प्याज को फ्राई करेंगे। और इसको हम रख देंगे, और हमने एक गैस पे एक कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। कढ़ाई भी हमारी गर्म हो गई है। अब इसमें हम 3 बड़े चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे, और इसको हम गर्म होने देंगे। और तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें प्याज डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसको हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे, और देखिए काफ़ी अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गया है। और इस तरह का प्याज तलने के लिए हम इसको बराबर चलाते रहेंगे, तब ये बराबर समझ अच्छे सीख जाएगी। और फिर इसको हम एक प्लेट में निकाल के इसका हम इसको चूरा बना लेंगे इसका। अब देखिए तल गई, अब इसको हम निकाल लेंगे, और हमने इस तरह की प्याज निकाल ली। अब इसको हम ठंडा होने के बाद इसको हल्का सा हाथ से दबा के इसको क्रश कर लेंगे। अब तेल भी हमारा गरम है, अब इसमें हम सारे खड़े गर्म मसाले डाल देंगे, और इसको अच्छे से हमें भून लेना है। और हमने चिकन को भी मैरिनेट करने के लिए रख दिया था, करीब करीब 1/2 घंटा हो रहा है, और चिकन को जितनी देर मैरिनेट करके रखेंगे इतना अच्छा ही इसमें एक स्वाद आएगा। अब इसमें हम पिसा हुआ प्याज डाल देंगे, और इसको अच्छे से भून लेंगे, और प्याज भी अच्छे से भून गया है, और इसको हम चला के बढ़िया अच्छे से भून लिया है मैंने, और फ्लेम को हमने थोड़ा मीडियम ही रखा हुआ है। देखिए इसमें तेल भी अलग हो गया है। अब इसमें हम मैरिनेट किया हुआ ये चिकन डाल देंगे, और अच्छे से मसाला भूनते हुए इसको हम करीब 1 से 2 मिनट ऐसे इसको भूनने देंगे। और देखिए इसको भूनते हुए करीब हमें 1 से 2 मिनट हो गए, और अच्छे से ये फदकने लगा है ये, और इसमें एक अच्छा सा उबाल भी आ गया है। अब इसको हम बराबर से चलाते हुए इसको चला लेंगे,
और इस तरह का बना हुआ चिकन बहुत बढ़िया लगता है खाने में। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक फौरन पहुंचेगी, जिससे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो आप फौरन देख पाएंगे। देखिए इसमें से पानी भी काफ़ी छूटा है थोड़ा सा चिकन का, और दही का तो है ही है इसमें। अब इसमें हम ये मसाला डाल देंगे, ये हमारा स्पेशल मसाला है हमारा है ये। अब इसको भी अच्छे से हम इसी में भूनेंगे। और संग में ही हम इसमें कश्मीरी मिर्च ये भी डाल देंगे। और इसको भी हम कुछ देर ऐसे ही इसको पकाएंगे हम, और इसी मसाले में इसको हम भूनेंगे अच्छे से। और बीच बीच में इसको हम चलाते भी जाएंगे। और देखिए तेल भी अलग हो गया है, मसाले ने हमारे काफ़ी अच्छे से भुन रहा है। अब इसमें हम आधा चम्मच हम नमक और डालेंगे और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और संग में ही इसमें हम जो हमने प्याज भुना था उसको हमने डाल दिया। और इस तरह प्याज डालने से इसका एक अलग स्वाद भी आएगा और इसमें अच्छा सा कलर भी आएगा, तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसमें। अब इसको हम ढक के इसको कुछ देर से पकने देंगे। और इसको एक बार हम फिर से देख लेंगे। और देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है और इसका सारा पानी सूख गया है। अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे और संग में ही हम एक कटोरी पानी डालेंगे। और इसको मिक्स करके करीब 4 से 5 मिनट इसको और पकने देंगे हम, क्योंकि चिकन हमारा काफ़ी अच्छे से गल भी चुका है। बस इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही इसको हम पकाएंगे। और देखिए चिकन को पकते हुए करीब हमें करीब 5 मिनट और हो गए। देखिए काफ़ी अच्छा पानी सूख भी गया है और इसकी ग्रेवी हमें ज़्यादा बस इसी तरह रखनी है इस तरह। अब इसमें हम थोड़ा हरा धनिया डालेंगे और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। और इसको हम ढक देंगे और गैस भी ऑफ कर देंगे और इसको हम करीब 5 मिनट बाद इसको हम सर्व करेंगे। और लीजिए बनके तैयार है हमारा पंजाबी चिकन मसाला। और ये अब इसको हम सर्व करेंगे और देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। आप इसको चावल और या रोटी से इसको सर्व करें। लीजिए बनके तैयार है हमारा पंजाबी चिकन मसाला। आप इसको हमें दिए तरीके से बनाएं, आप इसे रोटी या चावल किसी को भी सर्व करें और ये खाने में बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। और एक बार इसको ट्राई ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के संग। धन्यवाद।